आइकॉन वर क्लिक करा। फिर एक बार मणिपुर की हालत कश्मीर जैसे हो जाए, क्या सरकार सिर्फ अस्थिरता चाहते है देश में कि कोई ना कोई जो सीमावर्ती राज्य है वो जलता रहे? बस सिर्फ कश्मीर में कुछ होता है जहां वो हिंदू मुसलमान कर सकते हैं ऐसे हिंसाचार में, वहां ही गृह मंत्री भाग जाते। लेकिन मणिपुर में दोनों तरफ से सिर्फ हिंदू और हिंदू मर रहे हैं, हिंदुओं का पलायन चल रहा है, उसका सत्यान रूप नहीं ले रहे। मराठी मणिपुर पुलिस पर हमला किया गया है, गुजरात के जूनागढ़ में पुलिस पर हमला किया गया है, पुलिस अवैध दरगाह को तोड़ने वहां पर गई थी, गुजरात की स्थिति उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ठीक है, वहाँ की सरकार जो है देखिए, सरकार है वहाँ, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का होम स्टेट है, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है, क्यों हो रही है वो देख लेंगे। सब म्यूजियम का नाम बदलने को लेकर राजनीति, नेहरू म्यूजियम चेंज करके बात ऐसी है कि मैं ये बात से सहमत कि म्यूजियम में देश के सभी प्रधानमंत्री को स्थान मिलना चाहिए। इस देश में प्रधानमंत्री और भी हुए, अटल जी हुए, इंदिरा जी है, लाल बहादुर शास्त्री है, मनमोहन सिंह है, सभी ने देश के लिए काम किया, लेकिन म्यूजियम का नाम बदलने की जरूरत, पंडित नेहरू के नाम से ही वो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम बन सकता था, इतना मैं कहता हूँ। उस म्यूजियम में एक ऐसा सेक्शन होना चाहिए कि जो और प्रधानमंत्री के काम को लोगों के सामने रख सके, लेकिन जरूर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, देश के स्वतंत्रता संग्राम में और जो प्रधानमंत्री, उनका काम और योगदान बहुत बड़ा रहा है, तो ये म्यूजियम जो है उनके नाम से भी चल सकता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम। लेकिन आप सब लोग इतिहास को ही खत्म करना चाहते हो, जो पुराने लोग हैं हमारे बड़े, इसने देश बनाया है, उनका ही नाम आप खत्म करना चाहते हो, इसलिए हो रहा है सब। और क्या बोल सकता हूँ सर, ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट आया है कि अगर कांग्रेस सीपीएम के साथ जाती है लोकसभा में तो ममता बनर्जी सपोर्ट नहीं करेगी उसके साथ, सीपीएम के साथ, सीपीएम के साथ उनका स्टेट का मामला। हाँ। आप 23 तारीख को पटना में